हाँ जी, तो पिछले 7 एपिसोड्स में आपने देखा कैसे हमने चंबा से अपना सफ़र शुरू किया और फिर लाहौल और जंस्कर में बहुत ही खूबसूरत जगह से होते हुए लास्ट एपिसोड में हमने क्रॉस किया पेंजिला और देखा द्रांगद्रुम ग्लेशियर। अब हम पहुंच गए हैं करगिल में और हम ढूंढ रहे हैं अपने रात के सोने का ठिकाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा है टुंडुक का। टुंडुक, चलो टुंडुक बोलना। ठीक है, यहाँ पे 3-4 किलोमीटर पे ही है। 10 किलोमीटर अभी। चलो ठीक है। खैर तो ये सरकारी मुलाजिम थे और यहाँ पर हम रुक नहीं सकते, यहाँ पर गेस्ट हाउस नहीं है। अच्छा, 10 किलोमीटर आगे एक और गाँव है। पाजी नाम क्या था? रमदुंग। 10 किलोमीटर आगे रमदुंग में जाएंगे, वहाँ पर टिंडू का गेस्ट हाउस है। टिंडू टुंडुप, सॉरी आई एम बैड विद नेम्स। सो हम टुंडुप के गेस्ट हाउस रुक सकते हैं या फिर कहीं और रुक सकते हैं, देखेंगे यार। ओके ओके ठीक है। वी थॉट कि यही रंगदुम है, इसलिए हमने गांव में डाल ली गाड़ी। हमें जहाँ लाइट्स दिखी पहली, हमने वहाँ पे गाड़ी डाल ली, बट ये निकला कोई और ही गांव, तो रंगदुम बोल रहे हैं यहाँ से आगे। जैसे कि बताया आपको अभी ईसा भाई ने, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हमें कमरा मिल जाएगा। इंशाल्लाह अभी ईसा भाई और मैं ढूंढने जा रहे हैं कमरा। गांव में तो घुस गए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। गांव में कोई बाहर ही नहीं निकलता है। तो ये पहला घर है, जाके पूछते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी तुदुप। तुदुप ना? तुदुप। तुदु तुदु किधर है? तुदु पता है? तुदु तुदु कहाँ है? तुदु तुदु यही रहता है? बोला तुदु अबे यार रैंडम लग दे क्या? हमें रूम चाहिए रहने के लिए, रुकने के लिए रूम मिलेगा कहीं पे? हमें किसी ने बोला कि तुदु के पास जाना। तुदु है? तुदु पे तुदु नहीं, वो तो है। तू तो वहाँ पे? जी। हमको पीछे वाले गांव 10 किलोमीटर पीछे से किसी ने भेजा, कह रहे कि आप क्या रुक जाए, खाना वाना रहना। किसने? हम तो नहीं पता, वो कर्मचारी थे सरकारी। अब क्या गाड़ी क्या है? गाड़ी 8 लोग हैं। 8 लोग? हाँ जी, 8x8 में ले लेंगे। 8 खाना पीने का? खाना खिला देना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख है। वही है ना, आगे तो देर से आ गए ना दीदी, अगर टाइम में आ गए तो हम बना लेंगे ना अपना। हमारे पास कुछ है मैक्रोनी वगैरह, हम कुछ बना लेंगे। आप हमें एक रूम दे दीजिए, खाने का हम खुद देख लेंगे। बस ठंड से बचने के लिए कुछ हमें 4 दीवारी और छत दे दीजिए। ये रोने वाला है 2 मिनट के अंदर, बस बड़ा कंट्रोल कर रहा है। एक चीज ये है, हमारा ये जो है ना क्या बाथरूम जो है ना, हाँ ये लोकल है। लोकल मतलब? मतलब बाथरूम पानी वानी ठीक है, ड्राई टॉयलेट पड़ा है हमें। नहीं नहीं क्या कह रहे हैं, इनमें बोलन दो क्या कह रहे हैं। मैंने पानी सिस्टम बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं मिट्टी डालना पड़ता उसमें, वो वाला ना। वो कुछ नहीं, अब लाइट भी आती है। अरे तो आलीशान है, वही तो लाइट है यहाँ पे, कहाँ से नजर आ रही है। अरे वाह वाह वाह, चप्पल उतारने पड़ेंगे। हाँ अरे आप टॉयलेट दिखा देने, एक बार टॉयलेट गर्म पानी मिलता है नहाने को? वो पानी तो गर्म राखी में तो मिल जाएगा। मिल जाएगा, ये लोकल से मन की बात वाली देंगे। ये तो पानी होता है इसमें? नहीं होता इसमें पानी तो नहीं होता, मिट्टी डालनी पड़ती है इसमें ऊपर। खुद को धोने के लिए तो पानी होना, मिट्टी थोड़ी होगी। कौन है ये? कूल जेट है ये। अरे बहुत अच्छा रूम है भाई, बहुत अच्छा रूम है। चलो फिर सेट कर लेंगे, बुला लेंगे सबको। हाँ बुला ले, बुला लो सबको। कार पार्किंग करा दूं? ठीक हो गया, सेट है ना। चलो ठीक, अभी चाय पिला दोगे आप?
तो अभी हमें दो रूम मिल गए यहाँ पे ऐसे किसी तरह जुगाड़ करके विल स्लीप फॉर द नाइट। ये दूसरा कमरा और बड़ी ही खूबसूरत सुबह है यहाँ पर। हेलो जुले, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? तेंजिन छुस्कित। और छोटू का? तेंजिन लिंगिन। और आपका? तेंजिन कुना। ओके। आप स्कूल जाते हो? हाँ। अभी जाते हो? हाँ। वहाँ पे आज छुट्टी है? हाँ। और बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज और मैं तमाम हाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। थोड़ी सी उर्दू सीखी है मैंने ईसा भाई से, तो जितनी सीखी मैंने बोल दी। सुबह के 8 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ऐसे गर्मा गर्म बेड मिल रहा था तो सब आराम से सो रहे थे उसमें। उठे हैं तो बाहर आके देख रहे हैं कि सब कुछ जमा हुआ है यहाँ पे। हाँ वही वही दिखा रहा हूँ मैं कि सब कुछ जमा हुआ है यहाँ पे। देखिए भाई ठंडा नहीं पानी तो अंदर से लेके आया ना। अच्छा मुझे लगा इसी पानी में धो रहे हो। नहीं यार क्या कहा बर्फ बर्फ जम गया। ऐसे जमते हैं हां जी पंजाब में? ना 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 अभी भी नहीं पंजाब में नहीं जमता ऐसा कभी भी। हेलो
हेलो कर दो। हाय। हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे ड्रोन उड़ाते ही सारा, मतलब कल तो कोई बच्चे थे ही नहीं बाहर रात को, वैसे बिल्कुल सुनसान था। अभी ड्रोन उड़ाया तो एकदम एवरीबॉडी इज आउट। डॉक्टर साहब उधर चेक पोस्ट पे दवाई लिख रहे हैं। अगर हर जॉब सेट हो जाए जवर भाई एकदम चाहिए बुल जाए हो जाए मेरे बेटे हो जाए पर और टी पास तो आ जाए फुटी चिकन मोमोज है भूत तो नहीं जाएगा टाटा नहीं जाएगा वो क्या बन नहीं कर सकते इतना हमारे मिशन का नहीं अरे करा तो है वहाँ पे लगे हुए निशान एकदम बाइट में वो आपने ही लगाए सर पैसे पुलिस ने मची जाते यानी यानी सब सुबह अच्छा मजा पता है यानी सब सुबह तो उसे अच्छा मजा पता है ना बजट जी बजट जी अच्छा हट जी ओ तो जैसा कि जाफर भाई ने बोला पार्काचेक, अगले एपिसोड में हम जा रहे हैं पार्काचेक ग्लेशियर, सुर वैली और फिर जाएंगे उम्बाला, नॉट अम्बाला, उम्बाला। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @_punjabi_wanderer and I will see you in the next video. Goodbye. मैं शूज पहनने भूल गया, थोड़ी सी अब ठंड लग रही है।